एन आर्किटेक्ट कुक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही यूनिवर्सली लव्ड डेजर्ट की रेसिपी। वी विल मेक द फ्रूट टार्ट टुडे। एंड जी हाँ, दिस इज फुल्ली लोडेड विद फ्रूट्स एंड बहुत सिंपली ये बन के तैयार होती है। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी टेल यू द इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस अमेजिंग फ्रूट टार्ट। सो टार्ट बनाने के लिए हमारे पास जो ये इंग्रेडिएंट्स है ना, ये तीन डिफरेंट पार्ट्स में है। वन इज द क्रस्ट। क्रस्ट के लिए यहाँ पर है मेरे पास 1 कप ऑफ मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर। उसमें मिलाने के लिए आई हैव अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ कैस्टर शुगर। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा या घटा सकते हैं। देन आई हैव 1/4 कप ऑफ एनी फ्लेवरलेस ओडरलेस ऑयल एंड आई हैव 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ मिल्क एंड देन आई हैव 1/4 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड 1/2 teaspoon ऑफ सिनेमन पाउडर। ये हो गया क्रस्ट का पार्ट। देन वी हैव द फिलिंग। द फिलिंग के लिए हमारे पास है कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए आई हैव दिस वैनिला फ्लेवर्ड कस्टर्ड पाउडर 40 grams बाई वेट और 4 tablespoons। साथ में आई हैव 1/2 liter ऑफ मिल्क, ये 400 ml एंड ये 100 ml। अबाउट 2 tablespoons, 2.5 tablespoons ऑफ शुगर। अगेन इफ यू वॉन्ट इट स्वीटर यू कैन इंक्रीज द क्वान्टिटी ऑफ शुगर एंड अबाउट 1 tablespoon ऑफ बटर। अदर देन दैट वी हैव द फ्रूट्स। फ्रूट टार्ट है, फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के डालें, बट यू नो मिलांज ऑफ कलर्स लुक्स प्रिटी। सो आई हैव हियर कीवी, ग्रीन कीवी, रेड स्ट्रॉबेरी, ब्लैक ग्रेप्स एंड देन फॉर द ग्लेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव सम, यहाँ पे मैंने ब्लूबेरी जैम ली है। आप कोई भी जैम ले लें और साथ में थोड़ा पानी। आई विल शो यू हाउ टू डू इट। सो आइए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग अपना क्रस्ट बनाना। और बिफोर आई स्टार्टेड द प्रोसेस, मैंने OTG को बेक मोड में 180 degrees Celsius पे प्री हीट होना चढ़ा दिया है। सो सबसे पहले हम लोग इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे। मैदे में द सॉल्ट, सिनेमन पाउडर एंड द कैस्टर शुगर। गिव इट अ क्विक मिक्स। टू दिस वी एड द 1/4 cup ऑफ ऑयल एंड अगेन इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत सिंपली ये क्रस्ट बन जाती है। इट्स अ वेरी इजी रेसिपी and if you have all the ingredients ready, doesn't take much time. एक बार जो ऑयल है वो अच्छे से सब तरफ से फ्लावर को इसने कोट कर लिया, देन वी एड द मिल्क। मैंने यहाँ पे लिया है 3 tablespoons ऑफ मिल्क, बट हम पूरा एक साथ नहीं ऐड करेंगे। वी विल सी द क्वांटिटी दैट इज रिक्वायर्ड, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, ताकि ये जो डो है हमारा, इसको डो लाइक नहीं होना है, बट इट हैज टू कम टूगेदर एंड बी वर्केबल। वंस यू रीच दिस स्टेज, इस स्टेज पे अब हम जो स्पून है वो हटा देंगे एंड वी विल यूज आवर हैंड्स टू वर्क फर्दर। सो देखिए, ये अबाउट 2 tablespoons भी मिल्क मैंने डाला एंड इट हैज ऑलमोस्ट कम टूगेदर। मे बी आई एड जस्ट अबाउट 1 teaspoon मोर ऑफ मिल्क एंड दैट्स इट। ये हमारे पास है ये छोटी सी टार्ट डिश। इसको अब हम हल्का सा ऑयल कर लेंगे। नाउ वॉट वी डू इज, ये जो हमारा डो है, बस इसको वेरी सिंपली, हमने कुछ इसको बेलना वेलना नहीं है। आई जस्ट पुट दिस डो इन दिस एंड देन आई विल शेप इट अलोंग द टार्ट बेस। पूरा डो अभी हम लोग नहीं यूज करेंगे, जितना डो हमें चाहिए उतना डाल के एंड इफ नीड बी। ये जो डो है ना, ये बहुत सिंपली इट कम्स टूगेदर, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देखें, बस आप हाथ से इसको, लेकिन अलोंग द ऑल द कर्व्स इसको अच्छे से मोल्ड कर लें एंड टेक अ लिटिल पेशेंटली। ये प्रोसेस आप पेशेंटली करें एंड इवनली आपका थिकनेस होनी चाहिए टार्ट के बेस की एंड दैट इज हाउ वी डू इट। सो आई विल सी यू इन अबाउट 2-3 minutes आफ्टर लाइनिंग द टार्ट डिश वेल। सो ये जब हमारी एक बार डिशेस सारी रेडी हो जाएं, सो व्हाट वी नाउ डू इज कि हम लोग इनकी जो बेस है इसको हम थोड़ा एक फोक से प्रिक कर देंगे, नहीं तो ना फिर ये फूलनी शुरू हो जाती है एंड देन फिर वो फिल करने में मुश्किल होती है। तो इस तरह से सारे हमने प्रिक कर दिए एंड देन वी विल पुट इट इन द ओवन टू बेक एट 180 degrees Celsius फॉर अबाउट 20 to 25 minutes टिल इट टर्न्स अ गोल्डन ब्राउन। सो आई जस्ट पुट इट टू बेक एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। जो छोटे वाले हमारे हैं वो जल्दी हो जाएंगे, वो उनको मैं देख लूंगी एंड जल्दी निकाल दूंगी, बट ये जो बड़ा वाला हमारा है मेन डिश, दैट विल टेक एनीवेयर बिटवीन 20 to 25 minutes। नाउ व्हेन दिस इज वंस पुट टू बेक, लेट्स स्टार्ट विद द कस्टर्ड। कस्टर्ड के लिए सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे 100 ml मिल्क अलग रखा था
उसमें से अबाउट 50 ml मैं इसमें डाल दूंगी जो हमारा 4 tablespoons ऑफ कस्टर्ड है. वी वॉन्ट टू मेक अ थिक पेस्ट विदाउट एनी लम्प्स, सो इसलिए वी विल एड दिस 100 ml मिल्क इन टू बैचेस, देन इट इज इट बिकम्स इजियर टू मिक्स. ये डाल दिया हमने एंड देन द रेस्ट ऑफ इट ऑल्सो गोज इन. सो ये हमारा एक मिक्सचर बन गया कस्टर्ड का. अब आइए चलते हैं गैस की तरफ टू मेक आ कस्टर्ड. यहां पर एक पैन में मैंने बाकी का जो हमारा 400 ml मिल्क था वो चढ़ा दिया है टू बॉइल, एंड उसमें साथ ही मैं ये जो शुगर है ये डाल दूंगी. एंड नाउ वी विल वेट फॉर द मिल्क टू कम टू अ बॉइल. बाय द टाइम द मिल्क कम्स टू अ बॉइल इट्स नाउ टाइम फॉर द टिप ऑफ द डे. सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टिप है दैट इज आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, एंड दैट इज कि कहीं पे भी आप कोई भी सीमेंट का काम कर रहे हो, वेदर इट इज जॉइनिंग ऑफ द ब्रिक्स या फिर आप प्लास्टर ब्रिक्स के ऊपर कर रहे हो, सो एक बहुत सिंपल सी चीज होती है जो अगर आप यू नो यू कीप दैट इन माइंड तो थिंग्स बिकम मच सिंपलर एट अ लेटर स्टेज. एंड दैट इज कि जब भी सीमेंट का कोई भी काम करें तो वेन एवर यू मिक्स द सीमेंट विद वॉटर डू एड सम काइंड ऑफ अ वॉटर प्रूफिंग कंपाउंड विद इट. ऐसे में वो जो आपकी डैम्पनेस आती है ना वो कहीं काफी हद तक आपकी सिक्योर हो जाती है, बाहर से अंदर डैम्प नहीं आता, एंड दैट मेक्स लाइफ मच इजियर. सो दैट वॉज द टिप ऑफ द डे, एंड लेट्स सी वॉट टू डू विद द कस्टर्ड नेक्स्ट. सो फ्रेंड्स, वंस दिस मिल्क कम्स टू अ बॉयल, अब हम गैस को एकदम कर देंगे सिम, और ये जो हमारा यू नो मिक्स्ड हमने जो कस्टर्ड पाउडर रखा है इसको स्टर करते करते हमने इसमें डाल देना है बॉयलिंग मिल्क में. ये तुरंत से गाढ़ा हो जाता है, सो जस्ट कीप स्टरिंग एंड बस इसको अब आप ऑफ कर दें. एंड ये जो हमारा 1 tablespoon बटर है ये अब हम इसमें डाल देंगे. मिक्स इट अप वेल and look at this very smooth glaze that we've got of the custard. This will be the filling. Isko now we will set aside for about maybe an hour or two so that it comes to room temperature. Aap agar jaldi mein hain to aap isko fridge mein bhi dal sakte hain cool karna, but I will just put it aside and then I will see you in about a couple of hours to show you what is to be done next. Sorry, before that 20-25 minutes mein I'll show you how our tart base looks. Till then, bye-bye. So friends, it's now about 22-23 minutes and ye dekhiye hamari tart ki jo base hai na, look at this. This is totally done. So now what we will do, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, we'll just put it aside to cool, जहां हमारा custard भी cool हो रहा है, इसको भी अच्छे से cool होने देंगे, maybe for another hour, hour and a half, by the time the custard cools down, ये भी cool हो जाएगा, then we will carry on with the next step. I'll see you again in a while to show you what is to be done next. फ्रेंड्स, अब टार्ट को बेक करके निकाले एंड कस्टर्ड को बनाए हमें करीब 1.5 से 2 घंटे हो गए. दोनों चीजें हमारी रूम टेम्परेचर पे आ गई, तो आइए अब हम लोग असेंबल करते हैं टार्ट को. उससे पहले हमें ये थोड़ी सी ग्लेज तैयार करनी है. ग्लेज के लिए हमने क्या करना है कि 1 teaspoon हमारे पास ये जैम है, मैंने ब्लूबेरी ली है, आप कोई भी जैम ले सकते हैं, और उसमें करीब 1 teaspoon हमने डालना है पानी. इसको स्लाइटली लिक्विड हमें कंसिस्टेंसी बनानी है. ये बहुत छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत एसेंशियल है ये करके, एंड इसको जस्ट मैं 15-20 सेकेंड्स माइक्रो करके ला रही हूँ. सो आई सी, ये हमारी हो गई ग्लेज तैयार, यहाँ पे हमारा है कस्टर्ड तैयार. अब ये हम लोगों का जो टार्ट है बहुत सिंपली ये निकल जाता है. देखिए इट्स ऑलरेडी लेफ्ट द एजेस, बट वील जस्ट रन अ बटर नाइफ अलॉन्ग दिस ताकि कहीं अगर जुड़ा है तो वो भी छूट जाए. एंड लुक एट दिस beautiful shell that we get. Look at this. And ये जो हमारे 2-3 छोटे छोटे जो हमने डाले थे वो भी देखिए कितनी खूबसूरती से ये मिनी टार्ट्स भी निकल जाते हैं. अब हम क्या करेंगे कि this is a very essential step, ये जो हमारी glaze है ना इसको अब हम अच्छे से टार्ट के बेस एंड साइड्स पे लगा देंगे. इसका पर्पस ये है कि टार्ट जो है वो तो हमारी पूरी क्रिस्पी है, अब हम लोग उसमें भरेंगे कस्टर्ड, तो ये जो ग्लेज है ना इससे एक काइंड ऑफ अ नॉन परमिएबल सी लेयर बन जाती है ताकि जो हमारा पेस्ट्री पफ है वो फिर गीली नहीं होती, डजंट गेट सॉगी. इवन व्हेन वी पुट द कस्टर्ड इन वो बिल्कुल क्रिस्पी रहती है. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि दिस इज अ वेरी एसेंशियल स्टेप, तो ये आप जरूर करें.
Now once this is done and once ये जो glaze है ये हमारी अब 2 मिनट 1-1.5 मिनट में ही dry हो जाती है, इसको बस अब आप dry होने दें. Once this gets dried, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा custard है इसको पहले आप थोड़ा सा you know beat कर लें, slightly मतलब beat in the sense कि इसी से spatula से, ताकि ये smooth सी layer बन जाए. And we will fill this custard into the tart. And then इसको हम flatten कर देंगे. Now comes the part where you decorate the tart. So we have these cut fruits here. आप अपनी जो भी pattern चाहें आप दे सकते हो. I'll go with the first round of the strawberries. After this, we will put one round of the kiwi. ये कीवी भी हमारी लग गई. अब हम डालेंगे ग्रेप्स एंड देन मे बी अनदर लेयर ऑफ द स्ट्रॉबेरीज इनसाइड. यहाँ पे आप जैसे भी क्रिएटिव होना चाहो, आप जो भी कलर्स लगाना चाहो वो आप लगा सकते हो. एंड मे बी अनदर ग्रीन इनसाइड. So friends, isn't that a very simple recipe? I know it's a little complicated in the sense that आपको 3 parts में इस पे काम करना होता है, लेकिन देखिए इतने प्यार से, इतनी खूबसूरती से ये बड़ा सुंदर सा डिजर्ट हमारा बन के तैयार हो जाता है. एंड बिलीव मी, बच्चे हो बड़े हो सबको ये डिजर्ट बहुत पसंद आता है. So with that we come to the end of today's episode, the very popular, the much loved fruit tart made very simply. And I'll see you next Saturday at 7 PM with another simple, chatpat, mazedar, instant recipe. Till then, enjoy.